यूपी के बिजनौर में नाले से एक हिस्ट्री शीटर बाबा फरीद का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। वो एक महीने पहले ही जेल से छूटा था। घर वालों के मुताबिक उसकी हत्या की गई है। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले कोई दावा नहीं कर रही है। यूपी के बुलंदशहर में 5 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि पटाखे दिलाने के बहाने सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ रेप किया गया। पीड़ित बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। हरियाणा के सोनीपत में महावीर नाम के एक व्यक्ति के परिवार में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पीड़ित परिवार का पड़ोसी से किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। आरोप है कि 8 से 10 लोगों ने घर में घुसकर फायरिंग की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक दलित महिला के दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। महिला सुबह घर से शौच के लिए निकली थी। गन्ने के खेत में उसका शव मिला। युवती की गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यूपी के सोनभद्र में एक पुलिस मित्र गोली लगने से घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घायल बलराम खरवार जंगल से लकड़ियां लेने गया था, तभी उस पर किसी ने गोली चला दी। घायल हमलावर को देख नहीं सका। जहां ये घटना हुई वो नक्सली प्रभावित इलाका है। राजस्थान के अलवर में महिला के कटे हाथ पैर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। अलवर के चावड़पाड़ी मोहल्ले में मिले कटे अंगों को पुलिस ने कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया। हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस तफ्तीश कर रही है। यूपी के उन्नाव में एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इस रैकेट को जिला कलेक्टर ने छापा मारकर पकड़ा। बाद में पकड़े गए 18 युवकों और 4 लड़कियों को पुलिस के हवाले किया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सेक्स रैकेट पुलिस की शह पर चल रहा था। गुजरात के भुज में हुई एक हत्या सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी अशोक दो भाइयों मेहुल और प्रग्नेश पर फायरिंग करता नजर आ रहा है। घटना में मेहुल की मौत हो गई, जबकि प्रग्नेश का इलाज चल रहा है। आरोपी की मृतक से किसी बात को लेकर तकरार हुई थी। बाद में मृतक का भाई भी वहां आ गया, फिर आरोपी ने उसको भी गोली मार दी। बिहार के बरौनी में आरपीएफ ने 2 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इनके पास कुछ संदिग्ध सामग्री और कागजात भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक ये किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। बिहार एटीएस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा की पानीपत पुलिस शहर के मेयर सुरेश वर्मा की तलाश कर रही है। सुरेश वर्मा के खिलाफ मारपीट का आरोप है। पीड़ित सतपाल राणा के मुताबिक मेयर ने अपने 5 भाइयों और साथियों सहित उन पर हमला किया। पीड़ित अस्पताल में है।